नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भाई फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट किस प्रकार से ऐड किया जाता है जी हाँ दोस्तों बैंक अकाउंट लिंक कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा साथ ही के साथ यू पी कैसे बनाई जाती है दोस्तों यू पी कैसे क्रिएट करनी है फ़्लिपकार्ट में ये भी बताऊंगा देखिए दोस्तों आप लोगों को फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करने के बाद में स्कैन एंड पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा दोस्तों तो आप लोग फ्लिपकार्ट को सबसे पहले अपडेट कर लेना फिर आपको ये स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो आप लोग स्कैन एंड पे पर क्लिक कीजिए उसके बाद में अलाउ कर दीजिए परमिशन को उसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को माय यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद में नया पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर आप लोगों को एड बैंक अकाउंट ये ऑप्शन मिल जाएगा तो आप लोग इस इसपे क्लिक करेंगे दोस्तों इस इसपे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले अपनी बैंक जो है ना यहाँ से चूज कर लेना आप लोग दोस्तों यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आपकी बैंक तो चलिए मैंने दोस्तों अपनी बैंक चूज कर ली है उसके बाद में यहाँ हम अलाउ करेंगे उसके बाद फिर से अलाउ करेंगे जो भी परमिशन मांगेगा दोस्तों उसको आपको अलाउ करना होगा अब देखिये दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर फोन नंबर दिखाई दे रहा है तो ये फोन नंबर आपके किस सिम में है तो वो आपको चूज करना है और यही सेम मोबाइल नंबर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए ठीक है दोस्तों तो चलिए कौन से सिम में है ये नंबर आप लोग चूज कर लीजिए मेरा दूसरे वाले सिम में है दोस्तों तो मैं दूसरा वाला सिम चूज कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंडिंग मैसेज इस प्रकार से दिखाएगा हम लोगों को बस आपको यहाँ पर दोस्तों वेट करना होगा ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अब आप लोग देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका जो बैंक अकाउंट के जो फोर डिजिट है दोस्तों लास्ट के वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे ठीक है तो आप लोगों को इसको डन कर देना है दोस्तों और देखिए दोस्तों आप लोगों ने पहले से ही पिन बना रखा है आपके बैंक अकाउंट के लिए ठीक है यू आप लोग पहले से इस्तेमाल करते हैं ठीक है आपका जो बैंक अकाउंट है यू के लिए आप लोग दोस्तों पहले से इस्तेमाल करते हैं तो आपका यू पिन दोस्तों पहले से बना हुआ होता है तो वही पिन रखना चाहते हैं आप लोग तो डन कीजिए अगर आप लोग पिन चेंज करना चाहते हैं तो रिसेट पर क्लिक कीजिए फिलहाल तो दोस्तों हमें रिसेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी तो हम लोग डन कर देंगे जैसे दोस्तों हम लोग डन करेंगे तो यहाँ ऊपर हम लोगों को अपनी यूपीआई आई देखने को मिल जाएगी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं तो फिलहाल दोस्तों मेरी यूपीआई आई डी पर मुझे ये दिखा रहा है मेरे यूपीआई आई में दोस्तों पहले मोबाइल नंबर है मेरा उसके सामने लिखा है एट एफ के एक्स आई एस तो इस तरीके से आपकी यू पी आई भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को मिल जाएगी आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं क्यू आर कोड दोस्तों आप लोगों को आपका देखना है तो माई क्यू आर पे क्लिक करके आप लोग क्यू आर कोड भी विजिबल कर सकते हैं ठीक है थीके? उसके थ्रू आपको कोई पेमेंट कर पाएगा तो फ्लिपकार्ट ऐप की जो यू पी आई आई डी होगी दोस्तों आपकी ठीक है तो वो ये होगी दोस्तों जैसे कि आपकी फोनपे की यू पी आई आई डी होती है जीपे की होती है तो उसी प्रकार से फ्लिपकार्ट की ये यू पी आई आई डी होगी दोस्तों आपकी अब देखो दोस्तों फ्लिपकार्ट में हमारा बैंक अकाउंट तो ऐड हो चुका है अब हम यू पी आई पेमेंट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट की मदद से तो चलिए मैं यहाँ पर स्कैन एंड पे पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको पेमेंट करके दिखा देता हूँ यूपीआई के थ्रू तो अब देखिए मेरे पास डायरेक्ट क्यू कोड नहीं है स्क्रीन है मेरे पास तो मैं स्क्रीन को चूज कर लूंगा ठीक है तो इसके लिए हमें क्यू आर फॉर्म गैलरी पे क्लिक करना होता है फिर हमें ये परमिशन मांगेगा अलाउ करके गैलरी को चूज करेंगे उसके बाद में मैं अपना क्यू आर कोड चूज कर लेता हूँ दोस्तों क्यू आर कोड चूज करते ही दोस्तों ऊपर नेम आ चुका है जिसका क्यू आर कोड था तो अब बस हमें अमाउंट डालना है अमाउंट डालने के बाद में पे करेंगे उसके बाद में अपना यूपीआई पिन फिल करेंगे फिर ओके करेंगे तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली यहां पर पैसे पे हो चुके हैं दोस्तों दोस्तों सक्सेसफुली पे हो चुके हैं तो भाई मेरा भी कार्ट से पहला यूपीआई पेमेंट है दोस्तों तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट से पेमेंट कर सकते हैं अगर आपने पहले दोस्तों अपने अकाउंट को किसी भी यूपीआई ऐप में इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों यूपीआई पेमेंट के लिए ठीक है बिल्कुल नया है आपका कार्ड वगैरह आपने बिल्कुल नया लिया है तो उसकी दोस्तों प्रोसेस थोड़ी अलग होगी ठीक है उसमें आप लोगों को अपना कार्ड नंबर वगैरह डालना होगा और यू पी पिन क्रिएट करना होगा उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग हो सकती है दोस्तों बाकी कोई सवाल या फिर सुझाओ दोस्तों तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं और साथ ही आप लोगों को और भी फ्लिपकार्ट यू पर यहाँ पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम है आपका तो मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों ज़रूर से तो चलिए आप लोग फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू